क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को शानदार अंदाज में दूसरे T20 मैच में भी हरा दिया और 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। भारत ने 8 साल बाद वेस्टइंडीज में कोई T20 सीरीज जीती है। अब इस मैच में कुणाल पांड्या ने पारी के आखिरी ओवर में जो कमाल किया उसे सालों तक याद रखा जाएगा। कुणाल ने आखिरी ओवर में भारत की किस्मत ही बदल दी और इसी ने भारत को मैच भी जिता दिया। तो कैसे हुआ ये सब कुछ आपको दिखाते हैं पूरा ओवर बॉल बाय बॉल। आप भी कुणाल के कमाल के खेल पर कमेंट जरूर करें, साथ ही अंत में आपको इसका पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। तो कुणाल पांड्या 6 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन ने ठीक ठाक प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को एक ऐसे स्कोर की जरूरत थी जिसे पार कर पाना विंडीज के लिए असंभव हो। तो ये हुआ आखिरी ओवर में, जब कुणाल पांड्या के तूफान में किमो पॉल ही उड़ गए। 19 ओवर के बाद टीम इंडिया के 147 रन थे और 20वें ओवर में स्ट्राइक पर खुद कुणाल पांड्या थे। किमो पॉल वेस्टइंडीज के लिए आखिरी ओवर लेकर आए और किमो पॉल के ओवर की पहली बॉल पर कुणाल ने शानदार छक्का जड़ दिया। पैरों पर गिरी फुल टॉस को कुणाल ने डीप स्क्वायर लेग पर छक्का मार दिया। अगली गेंद पर फिर वही कहानी हुई। अगली गेंद पर कुणाल पांड्या ने लॉफ्टेड शॉट मारा और बॉल को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर भेज दिया। यानी कि 2 गेंद पर 2 लगातार छक्के पड़ गए थे। तीसरी बॉल पर कोई रन नहीं बना और चौथी बॉल पर कुणाल ने 1 रन ले लिया। अब 5वीं बॉल पर स्ट्राइक पर थे जडेजा और छक्का मारने की बारी भी अब सर जडेजा की ही थी और इस बार जडेजा ने किमो को धुन दिया। स्टंप्स पर आई फुल टॉस को जडेजा ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए भेज दिया और पूरे ओवर में 20 रन तो बने, साथ ही साथ 3 गगनचुंबी छक्के भी लग गए और यही 20 रन टीम इंडिया की जीत की वजह भी बने। तो आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही कुणाल पांड्या और जडेजा के धमाल पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।